क्या आपने कभी सोचा है दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं? और क्या आपको पता है एक पूरा इंसान का खून पीने के लिए कितने मच्छरों का जरूरत है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, आप इस चैनल में नहीं आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल बटन को भी दबा देना ताकि नई वीडियोस अपलोड होते ही आपको मिल सके। तो चलिए जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, एक मच्छर इंसानों की कितना खून पी सकता है? एवरेजली देखा जाए तो एक बूंद से भी कम खून पीता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है एक इंसान का पूरा खून पीने के लिए कितना मच्छरों का जरूरत पड़ सकती है? तो दोस्तों, एवरेजली एक हेल्दी इंसान में 5 लीटर तक का खून रहता है। वो पूरा खून चूसने के लिए 12 लाख मच्छरों की जरूरत है। तो एक इंसान का खून 12 लाख मच्छरों की पेट भर सकती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप तो ये जानते ही होंगे कि इस पूरी दुनिया में सब कुछ एटम से ही बनी हुई है। अब आप ऐसा अज्यूम करो कि जो कुछ भी एटम से बना है उसे सेपरेट करें तो जो भी बचता है ना, वो एक सेब में फिट हो सकती है। तो दोस्तों, ये पूरी दुनिया 99.99% एटम से ही बनी है और जो भी 0.001% बचता है वो एक सेब का बराबर होगी। फैक्ट नंबर 3, बैक्टीरियाज हमारे आसपास करोड़ों की संख्या में रहते हैं और रोज करोड़ों की संख्या में पैदा भी होते हैं। तो इन सब के बावजूद भी इंसान बीमार ना पड़ने का कारण क्या है? तो दोस्त, इसका रीजन सिंपल है। जो भी करोड़ों संख्या में बैक्टीरियाज हमारे आसपास मौजूद होते हैं, उससे भी 100 गुना बढ़कर बैक्टीरियोफेज नाम के वायरसेस भी हमारे आसपास मौजूद होते हैं। तो ये बैक्टीरियोफेज क्या है? ये बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को खा के जीता है। वायरस नाम से आप डरो मत, क्योंकि हमारे लिए ये प्रकृति का वरदान है, क्योंकि बैक्टीरियोफेजेस रोज करोड़ों की संख्या के बैक्टीरियास के साथ फाइट करती है और उन्हें खत्म भी करती है। ये हमारे लिए प्रकृति का वरदान है। और ये बैक्टीरियोफेजेस हमारे आसपास कितने संख्या में होते हैं ये हम गिन नहीं सकते। ये फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनती है बैक्टीरियोफेजेस के लिए। ये वीडियो को लाइक तो कर दो यार। फैक्ट नंबर 4, हमारे सूरज के बीच में जो कोर होता है, वो कोर से फोटोन नाम की एक सेल रिलीज होता है। वो सेल सूरज के बीच में से सरफेस तक पहुंचने में 40,000 साल लेता है और सूरज के सरफेस से धरती को पहुंचने में 8 मिनट लेता है। तो दोस्तों, यही पे सोचो कि सूरज की आकार कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये फोटोन सेल प्रकाश की दूरी पे चलता है, यानी लाइट स्पीड से चलता है। और इतने तेजी से जाने के बावजूद सूरज के बीच से निकल के बाहर आने के लिए 40,000 साल का समय लेता है और वहां से 15 करोड़ किलोमीटर चल के धरती पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का समय लेता है। गजब है यार। फैक्ट नंबर 5, अगर एक कॉकरोच के सिर को उसके बदन से अलग कर दिया जाए तो कुछ हफ्तों तक तो जिंदा रह पाएगा और कुछ हफ्तों बाद वो मर जाएगा। वो मरने का कारण तो ये नहीं कि उसका सिर काटा गया है, बल्कि ये है कि बहुत समय तक खाना ना मिलने की वजह से मर जाएगा। हाँ दोस्तों, ये कॉकरोच ही एक ऐसा लौता जीव है जो बिना सर के बहुत समय तक जी सकता है और वो आराम से जिएगा अगर उसे खाना मिलेगा तो। पर बिना सर के वो कुछ भी नहीं खा सकता ना। और कॉकरोचेस में खून का रंग लाल नहीं होता, सफेद होता है, इसीलिए इनके खून में हीमोग्लोबिन का कंटेंट नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, 2011 में एक आर्टवर्क को म्यूजियम में बेचने रखे थे और वो आर्टवर्क ये है। ये फ्रेम को देखने बाद आपको ये मजाक लगेगा, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है, क्योंकि यही आर्टवर्क को एक औरत जिसका नाम एमी डेविसन, इन्होंने इसे $10,000 में खरीदा था, यानी इंडियन रुपीज में 7,55,450 रुपये। और जब इन्हें इंक्वायरी में पूछा गया कि इतने पैसे देने की जरूरत क्या थी, तब उन्होंने बताया कि ये पेंटिंग को खरीदने का 2 बड़े कारण है। पहला तो ये एक नॉन विजिबल आर्टवर्क है, यानी आर्टवर्क जो हमें नहीं दिखता। और दूसरा कारण तो ये है कि इसका डिस्क्रिप्शन फ्री एयर ऐसे लिखा था, मतलब फ्री एयर नाम को करीब 7,50,000 का वैल्यू है। ये तो डेविसन मैडम को ही मालूम है। फैक्ट नंबर 7,
माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन इससे भी हाईएस्ट माउंटेन हाइकर बोले तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट अबव सी लेवल दुनिया में सबसे हाइट माउंटेन है। लेकिन हवाई में माउना किया नाम का एक माउंटेन है जिसका हाइट अबव सी लेवल देखे तो 13,796 है और बिलो सी लेवल देखे तो 19,700 फीट ऊंचा है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 4,472 फीट ज्यादा है। क्योंकि अगली बार आपसे कोई दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ी के बारे में पूछे तो आप माउना किया ये पहाड़ी का नाम आप बोल सकते हो। फैक्ट नंबर 8, फिलीपींस के देश में लूजोन नाम के एक द्वीप है और उसी द्वीप में ताल झील है और वो झील में वोल्केनो नाम का एक द्वीप है और वो द्वीप में एक और झील है जिसका नाम क्रेटर लेक है और क्रेटर लेक में फिर से एक और आइलैंड है जिसका नाम वुल्कन पॉइंट है। बेसिकली ये वुल्कन पॉइंट एक द्वीप नहीं है, वो एक बड़ा सा पत्थर है और वो क्रेटर लेक में देखने को मिलता है, इसीलिए इस जगह को एन आइलैंड विद इन अ लेक ऑन एन आइलैंड विद इन अ लेक ऑन एन आइलैंड ऐसा भी बोला जाता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है हमारी चांद धरती से हर साल करीब 4 सेंटीमीटर तक का दूर जा रहा है। इससे कुछ बड़ा डिफरेंस तो नहीं होगा, लेकिन समय धीरे से बढ़ता जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि 2 करोड़ साल पहले धरती पे 23 घंटे थे और अब 24 घंटे है और आगे आने वाले 2 करोड़ साल बाद 25 घंटे होंगे। और दोस्तों ऐसे ही आगे आने वाले 100 करोड़ साल में हमारे पृथ्वी में 60 घंटे से भी अधिक समय होगा एक दिन में। इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। अब सोचो कि ये कितना खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि दिन में 30 घंटे का दिन होगा और 30 घंटे का रात होगा, तो जीवन संकुल के लिए तकलीफ जरूर आएगी, लेकिन आगे आने वाले जनरेशन इसके लिए कुछ कर सकती है। फिलहाल हमारे लिए तो 24 घंटे ठीक है। फैक्ट नंबर 10, फ्रांस में एक रोड है जिसका नाम पैसेज डू गुइस है। ये तो एक नॉर्मल रोड है, लेकिन यहाँ का एक बड़ी समस्या ये है कि ये रोड समंदर के बीच में है और दोस्तों इस रोड को दिन में 2 बार कुछ घंटों के लिए ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि अलग समय में ये रास्ता समुंदर के पानी में 13 फीट नीचे तक गायब हो जाता है। समंदर के बड़े बड़े लहरें ही इसे छुपा देते हैं। ये देखिए, ये एक असली फुटेज है। दोस्तों आज की हमारी कोशिश आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।